चले भाई, आई होप मैं आप लोगों को ऑडिबल होऊंगा। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल भाई सबके? चले ऑडिबल आ जाएं सारे जन। हेलो सौमित्रा, हाउ आर यू? आ जाएं भाई, क्या हाल चाल सबके? सारे लोग जुड़ जाएं फटाक से। आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, ये आपका बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। इसमें मैं सब कुछ आपको सब कुछ करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आज आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। हेलो मिट्टू, हाउ आर यू ब्रदर? सेशन लाइक कर दें, जुड़ जाएं। आज मैं आपको यहाँ पे नोबेल प्राइज, पद्म अवार्ड भी मैं पूछ लूंगा आपसे, आईसीसी अवार्ड्स, उसके अलावा रमन मैग्सेसे, ठीक है, उसके अलावा जितने भी वन लाइनर्स अवार्ड होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। नमस्ते नमस्ते, आ जाएं भाई सारे लोग। जय हिंद, जय हिंद साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, आ जाएं सारे लोग। कैसे हैं आप? और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हेलो अंकित, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, क्या हाल चाल सबके? सारे लोग सेशन भी लाइक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, प्लस बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2022 फॉर मेडिसिन? अल्फ्रेड गिलमैन, मार्टिन रेडबेल ने, बारबरा मैकिनटॉन्क ने, स्टैनली प्रिज़नर ने, या फिर स्वेंता पाबो ने? किसने जीता है और ये कहां से हैं? ये स्वीडन से हैं, बता दीजिए किसने जीता है। प्लस ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज जो है 10 दिसंबर को अनाउंस किया जाता है हर साल, और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, ठीक है, किसकी खोज करी थी? डायनामाइट। ये भी पूछा जाता है आपको, बिल्कुल। कौन सी कंट्री देती है? तो स्वीडन देती है। कितने एरियाज में दिया जाता है? 6 एरियाज में दिया जाता है। कितने रियाज में दिया जाता है? 6 रियाज में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस जो है कि अब वो 6 रियाज कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए, एक मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी जो आपके स्क्रीन पे है, प्लस केमिस्ट्री हो गया, प्लस फिजिक्स हो गया, प्लस आपका लिटरेचर हो गया, प्लस पीस हो गया, प्लस इकोनॉमिक्स हो गया। 1968 से इकोनॉमिक्स का शुरू किया गया, उसके पहले नहीं दिया जाता था, ठीक। प्लस इसमें जो पीस का नोबेल प्राइज है वो कौन देता है? तो वो देती है नॉर्वे। बाकी सारा कौन देता है? तो वो देती है स्वीडन। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएंगे? स्वेंता, स्वेंते पाबो, जो कि स्वीडन से हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं हर एक चीज याद भी करा दूंगा आपको, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, लक्ष्मीकांत। फॉर व्हाट डज नोबेल प्राइज 2022 फॉर मेडिसिन गिवन, यानी पूछा गया कि यहाँ पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया था? डिस्कवरी ऑफ प्रिजन्स, प्रियॉन्स के लिए दिया गया था, डिस्कवरी ऑफ जी प्रोटीन्स, डिस्कवरी ऑफ कंसर्निंग जीनोम एक्सटेंस, होमिनिन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, या डिस्कवरी ऑफ मॉड्यूल जेनेटिक एलिमेंट्स, किसके लिए दिया गया था? सारे वैसे ऑप्शंस हिंदी में है, ये वाला आपको इंग्लिश में है, ठीक है, बताइए। तो बेसिकली ये दिया गया था आपका ह्यूमन एवोल्यूशन और आपका एक्सटेंट होमिनीज के लिए। किसको दिया गया? स्वेंते पाबो के लिए, स्वेंते पाबो को दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वेरी गुड किशोरी, बहुत बढ़िया। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2022 फॉर फिजिक्स, भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जेलसिंगर, या फिर फ्रेडरिक रिंस ने, या मार्टिन प्लन, या फिर जॉर्जेस चारपैक, किसने जीता? देखिए, जो नोबेल प्राइज है ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को। अभी तक 4 लोग ऐसे हुए हैं जिनको दो दो बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, जीन पॉलिंग का सुना होगा, जेल सिंगर का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, ठीक है, जिनको दो दो बार नोबेल प्राइज दिया है। तो मैक्सिमम 4 ही लोग ऐसे हैं जिनको दो दो बार नोबेल प्राइज दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटन जेलसिंगर, जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सारे अवार्ड्स हैं। आर्थिक विज्ञान 2022 में नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन नहीं है, ये पूछा गया है।
हु इज नॉट द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंस फॉर 2022, बे एस बर्नके या फिर डेविड कार, डगलस डब्ल्यू डायमंड या फिर फिलिप एस डायविग? कौन नहीं है इसमें से? एक जन 2022 वाले हैं, लेकिन सॉरी 2021 वाले हैं, बाकी तीन जो है वो 2022 के हैं। और बेसिकली दिया क्यों गया था? तो ये दिया गया था आपका डिस्कवरी ऑफ रिसर्च, रिसर्च कर लीजिए, डिस्कवरी क्या करेंगे, और रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल प्राची, कौन हो जाएंगे? तो आपका गलत है, डेविड कार्ड। बाकी एस बर्निक और डब्ल्यू डायमंड विक और डाइविक, इन तीनों लोगों को दिया गया था, ठीक है? नहीं, डेविड कार्ड को पिछली बार दिया गया था। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस कारण प्रदान किया गया? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको रीजन भी बताया आपको, ठीक है? फॉर वॉट रीजन द 2022 नोबेल प्राइज ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स इज अवॉर्डेड, ठीक है? 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस कारण से प्रदान किया जाता है? श्रम अर्थशास्त्र के लिए, भूख का मुकाबला करने के लिए, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, या बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए, ठीक है? ये पूछा गया कि लेबर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, या फिर फॉर फाइट द हंगर, या फिर जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर रिसर्च ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। विच वन इज करेक्ट? आराम से, मैंने इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है। बताएं भाई सारे जन। देखिए, रेगुलर मेरी क्लास जो होती है वो इसी, बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, ये पूछने की चीजें ही नहीं है कि लाइक करें कि नहीं करें। और विमलेश यादव सर्च करके आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे फ्री क्लासेस मेरी होती है, वो बिल्कुल देखिए, ठीक है? प्लस आपका अनअकैडमी ऑफर भी आज तक है, 28 फरवरी आई थिंक आज, तो आपको 30% का ऑफ भी इस कोड के थ्रू अनअकैडमी पे मिल जाएगा, जहां पे मेरी आप क्लासेस देख सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएं, आपको कभी जीए जीएस पोर्शन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साहित्य 2022 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु इज बेस्ट फूड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022? पीटर हैंडेक, एनी अर्नॉक्स, अब्दुल रजा गुरना या फिर लुइस ग्लुक? किसको दिया गया भाई, बताएं? सारे इसमें मेंशन किए गए हैं, 18 नहीं, 19, 20, 21, 22 चारों मेंशन किए गए हैं। वेरी गुड, किसको दिया गया है? तो वो हो जाएंगे एनी अर्नॉक्स, ठीक है? पिछली बार अब्दुल रजा गुन्ना को दिया गया था, इस बार किसको? जी हाँ, एनी अर्नॉक्स, 2021 में गुरनाथ साहब थे, ठीक है? तंजानिया वाले। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनी अर्नॉक्स, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 किस विषय से संबंधित है? नोबेल प्राइज ऑफ 2022 इन फिजिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द टॉपिक? अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, या इंटेंगल्ड फोटॉन्स, या फिर ब्लैक होल फॉर्मेशन, या इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स? बताइए भाई किससे संबंधित है? इंस्टा हो रहा है डाउनलोड? इंस्टा क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? इंस्टा डाउनलोड हो रहा है क्या आपकी? ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहां पे आप मेरी प्रोफाइल सर्च करके पा सकते हैं मेरी। देखिए वहां पे गेट एक्साइटिंग कंटेंट जर्नी टूवर्ड्स, आप SSC, हाँ, अपन अकेडमी इंस्टॉल कर लीजिए। अब आप यूट्यूब पे विमलेश यादव भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चले, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंगल्ड फोटॉन्स। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन नहीं है, ये पूछा गया है। हु इज नॉट द विनर दिस ईयर, विच इज नॉट द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री? कैरलन बटोजी, मॉर्टन मेंडल, डेविड मैकमिलन या फिर के बैरी सापलेस? एक जन जो है इसमें, इनको पिछली बार दिया गया था, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डेविड मैकमिलन साहब, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर डेविड, बाकी तीन लोगों को इस बार 2022 में दिया गया है।
नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू विच टॉपिक? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो 2022 में दिया गया वो किस विषय से संबंधित है? क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, या फिर आपका एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट, या फिर जीनोम एडिटिंग, या फिर लिथियम आयन बैटरीज, किसके लिए है? अच्छा आप 9th में है पर एप्लीकेशन अच्छा लगता है, चलिए अभी से आप पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक आप अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट लड़के रहेंगे जो अच्छा पढ़ता हो, तो अभी से पढ़ते रहिए, पढ़ना कोई खराब चीज थोड़ी है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? दैट इज क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ऑप्शन ए। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर 2022 फॉर पीस? एलिस बेलास्की, या फिर मेमोरियल ऑफ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, या फिर यूएनएससीआर, या फिर यूनिसेफ, या फिर रेड क्रॉस, किसने जीता है? एक बेलारूस और एक यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जीता है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन बढ़िया है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता प्रेजेंटेड रिसेंटली? हाल ही में प्रस्तुत ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड बाफ्ता में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, 1917, जोकर, या फिर द आयरिश मैन? अभी देखिए आपको 80वां गोल्डन ग्लोब भी हुआ है जिसमें ओरिजिनल सिंग जो सॉन्ग चुना गया वो कौन चुना गया? नाटू नाटू, सबको पता होगा। ठीक है, हाँ जी। और अगर पूछा जाएगा बेस्ट एक्ट्रेस किसको चुना गया, तो वो हो जाएंगी केट ब्लेंचेट तार के लिए। बेस्ट मूवी किसको चुना गया? फैबल मैन। ठीक है, और जो है आपके बटलर फॉर ओलविस मूवी वो थे बेस्ट एक्टर, ये सब भी पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन के आंसर 1917। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को चेंज मेकर ऑफ द ईयर नामित किया गया था? विच इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन वॉज नेम्ड द चेंज मेकर फॉर द ईयर एट द बिजनेस अवार्ड लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, दूती चंद, या हिमा दास? कौन भाई? बिल्कुल, किसको चुना गया था? तो वो चुना गया दूती चंद को, दूती चंद की किताब है। मेरा नाम नहीं दिख रहा आपको, क्या है? देखिए वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और इनकी किताब ध्यान रखिएगा, फियर्सली फीमेल आपको पूछा जा सकता है। फियर्सली फीमेल किसकी किताब है? दूती चंद की किताब है। ठीक है, मैरी कॉम की मैंने किताब क्या बताई थी? अनब्रेकेबल। सटलर्स फ्लिक किसकी किताब हो जाएगी? पीवी सिंधु। और हिमा दास को हम किस नाम से जानते हैं? धिंग एक्सप्रेस। ये तो सीधे आंसर ही देख लिया आपने। विच इंडियन फिल्म मेकर वॉन द IIFTC, यानी आपका इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, टूरिज्म कॉन्क्लेव इंपैक्ट अवार्ड 2020 किसने जीता है? आदित्य धर ने, जोया अख्तर ने, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, या अयान मुखर्जी ने? किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म पर्यटन कॉन्क्लेव में IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 जीता है? आदित्य धर ने, जोया अख्तर ने, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, या फिर अयान मुखर्जी ने? किसने जीता है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। बिल्कुल सेशन लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए क्या हो जाएगा? जोया अख्तर। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड? रजनीकांत, आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, या दिलीप कुमार? पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताएं भाई।
क्या हो जाएगा? आसफ पारिक जी को 51वां किसको दिया गया था? रजनीकांत को। और 50वां किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। Who was honored with the USIBC 2022 Global Leadership Award? USIBC 2022 Global Leadership Award से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या साइरस मिस्त्री? किसको दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। रोज रात को मेरी क्लास 11 बजे होती है, कल नहीं होगी क्योंकि कल संडे है, तो संडे को नहीं होती है। बाकी आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं पढ़ा दूंगा। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गौतम अडानी। हर साल घोषित होने वाले किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? इस बार 4 लोगों को दिया गया। विच अवार्ड अनाउंस एवरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? पुलित्जर, गोल्डन ग्लोब, रमन मैग्सेसे, एकेडमी अवार्ड? इस बार 4 लोगों को दिया गया। किसको किसको? सोथियारा छिम को, बेनेडिक्ट मैड्रिड को, 11 बैंचिंग को, थोड़े टफ नाम है लेकिन याद हो जाएंगे, और तादोसी हाथोरी को। इन 4 लोगों को दिया गया है। जी हाँ, रमन मैग्सेसे। बिल्कुल। कौन सी कंट्री देती है रमन मैग्सेसे? बिल्कुल प्राची, बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल आकृति, बिल्कुल हाउस द जोस 23। क्या हो जाएगा? रमन मैग्सेसे। यही 4 लोगों को देखिए नाम भी दिया गया इस बार, जिन लोगों को दिया गया। गैरी चे बैंचिंग इंडोनेशिया से हैं, बर्नेट मैड्रिड बेसिकली चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, फिलीपीन से हैं, तादोसी हथोरी जापान से हैं, और सोतियारा छिम कंबोडिया से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। हु वाज कंफर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा, पीएम मोदी, आरके माथुर या फिर द्रौपदी मुर्मू? और उस अवार्ड का नाम क्या था? डीपॉल, एनग्रम, डस्टन, ठीक है, ये नाम था। कौन हो जाएंगे? दलाई लामा जी। दलाई लामा जी की किताब आपको पूछी जा सकती है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। किसकी किताब है? दलाई लामा और डेसमंड टूटू। और द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा की किताब। कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में। फेमिना मिस इंडिया 2022 की किताब की विजेता कौन बनी है? हु बिकेम द विनर ऑफ द फेमिना मिस इंडिया 2022? मनसा वाराणसी, रूबल शेखावत, श्रीनी शेट्टी या हरना संधू? लिटिल बुक ऑफ जॉय। बिल्कुल, लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है वो दलाई लामा और डेसमंड टूटू, और लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट रिटन बाई दलाई लामा। दलाई लामा लिव्स इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। किसको दिया गया है? तो श्रीनी शेट्टी। 2022, 2021 में मनसा वाराणसी को दिया गया था, और 2022 में हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थी। और इस बार मिस यूनिवर्स कौन बना है? कौन बता देगा? इस बार मिस यूनिवर्स कौन बना है? Who among the following has been honored with the Mother Teresa Memorial Award for the 2021? निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिया मिर्जा, सोनू सूद, अल्फ्रोज शाह या बोथ ए एंड सी? बताएं भाई।
इस क्वेश्चन के आंसर करें। अमेरिका की है जी हाँ, बूनी गैब्रियल। कौन? बूनी गैब्रियल। इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, बोथ बी एंड सॉरी बोथ ए एंड सी, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया गया कौन सा अवार्ड? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जयपुर फिल्म फेस्टिवल? मीरा नायर, अपर्णा सेन, जोया अख्तर या मेघना गुलजार? वेरी गुड अविनाश, आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो आंसर सही है भाई आपका अविनाश साहब। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? अपर्णा सेन हो जाएंगी। कौन? अपर्णा सेन। ये अपर्णा सेन करेगा, जोया अख्तर गलत है, अपर्णा सेन हो जाएंगी। किस फिल्म ने अपने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? विच फिल्म हैज वॉन द 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द इट्स बिट्स ओरिजिनल सॉन्ग? द कश्मीर फाइल, स्माइल, राम सेतु या आर आर आर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? आर आर आर। म्यूजिक कंपोजर कौन थे? एम एम किरवानी। और एम एम किरवानी को अभी भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है। क्या दिया है? पद्मश्री भी दिया है। चले ये आर 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 कर लीजिएगा, राम सेतु गलत है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? Who has won the Best Actor Award in the New York Film City, Film Critics Circle? और साथ ही साथ इनको सैटर्न अवार्ड भी दिया गया। कौन हो जाएंगे? प्रशांत नील, हनु राघवपुरी या फिर एसएस राजमौली या अयान मुखर्जी? कौन हो जाएंगे? एसएस राजमौली साहब, बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई, इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड, हाउ मेनी पीपल विल गिवन दिस अवार्ड दिस टाइम? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एनआरआई डे, इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा ये अवार्ड? बिल्कुल बिल्कुल, सेशन लाइक कर लें भाई, आपके ऊपर है सेशन लाइक भाई करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपका काम है। और बाकी मैं वीडियो की प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उसमें। चले क्या हो जाएगा? तो 27 लोगों को दिया गया है। किस आईटी ने वॉटसन क्यूएसएन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? विच आईटी हैज वॉन द वॉटसन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022? गुवाहाटी, कानपुर, रुड़की या मद्रास? कौन सा आईटी इंस्टीट्यूशन ने जीता है? ट्वेंटी सेवन राम, मेजर राम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, किसको दिया गया? तो वो दिया गया आईटी मद्रास को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको दिया गया? तो आईटी मद्रास को, आईटी मद्रास ने, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कदम, आर्टिफिशियल लेग, नियो बोल्ट व्हीलचेयर, निर्फ की रैंकिंग में पहला स्थान, और एआई बेस्ड लैंग्वेज सोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज सोर्स। उसके अलावा जो है इंटेलेक्चुअल अवार्ड भी इस बार किसको दिया गया? आईटी मद्रास को दिया गया।
ये सारे अवार्ड्स और ये सारे जो है वर्क किसके हैं, आईटी मद्रास के हैं। किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हुए रिसेंटली ऑनर्ड विद द अटल सम्मान अवार्ड, हरिवंश राय, प्रभु चंद्र मिश्रा, आलोक यादव या विशाल बनर्जी? बिल्कुल दीपांशु, कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे विशाल बैनर्जी। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? किलियन एम्बापे, लुका मॉड्रिक, एंजो फर्नांडिस या लियोनेल मेसी? बताइए। तो देखिए, हो कहां पे रहा था? कतर में हो रहा था। फुटबॉल का नाम क्या था? तो अल रिहिला। और बाद में सेमीफाइनल में फुटबॉल का नाम क्या हो गया? अल हिल। ध्यान रखिएगा, अल रिहिला मतलब क्या होता है? टू ड्रीम। और अल हिल का मतलब क्या होता है? ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, ये फुटबॉल का नाम था। प्लस जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? पिछली बार की विनर फ्रांस को, ये ध्यान रखिएगा। प्लस जो ओंजो फर्नांडिस को क्या, सॉरी, किलियन एम्बापे को जो है गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, ओंजो फर्नांडिस को क्या दिया गया? तो इनको यंग प्लेयर चुना गया, यूथ प्लेयर, यंग प्लेयर। लियोनेल मेसी को गोल्डन, एक सेकेंड, गोल्डन बॉल पूछा है ना, तो लियोनेल मेसी होंगे। ध्यान रखिएगा, गोल्डन बूट किसको दिया गया? किलियन एम्बापे को। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को। और अगर पूछा जाएगा गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, तो वो हो जाएंगे एनी मार्टिनेज, जो कि गोलकीपर थे किसके? अर्जेंटीना के। क्लियर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है राम, बिल्कुल। इस क्वेश्चन के आंसर लियोनेल मेसी। हाँ, सब मैंने बता दिया सब। किस फुटबॉल प्लेयर को 2020 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच फुटबॉल प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? बेथ मीड, लिया विल्सम, लूसी ब्रॉन्ज या फिर लॉरेन हेम्प? कौन हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कर दें भाई, बिल्कुल। हाउस द जोस, कौन? बेथ मेड, बिल्कुल सही है। भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया? इंडियन ओरिजिन साइंस टीचर वीना नायर हैज बीन गिवन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या फ्रांस? कहाँ दिया गया भाई? बिल्कुल, कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं पता तो आप नो भी लिख सकते हैं, जब भी आपको नहीं पता होता है तो आप नो लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं पूछूं नए पीएम कौन हो जाएंगे, कौन बता देगा? ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम एंथोनी अल्बनीज। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड? नवदीप कौर, हरनाज संधू, साइलेंट फोर्ड या सरगम कौशल? ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। हरनाज संधू तो देखिए मिस यूनिवर्स चुनी गई, इस बार कौन चुना गया? गैब्रियल, गैब्रियल बुनी इस बार चुनी गई। नवदीप कौर को पिछली बार मिसेस वर्ल्ड में बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और पिछली बार 2021 में मिसेस वर्ल्ड जो चुना गया था वो साइलिन फोर्ड को चुना गया था। लेकिन क्या पूछा गया है, 2022 में किसे मिसेस वर्ल्ड चुना गया है? वो हो जाएंगी आपकी सरगम कौशल। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चले,
25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखरन सरकंदरा सरस्वती नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड? निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल या फिर वेंकैया नायडू साहब? किसको? क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे आपके वेंकैया नायडू जी। हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? विच स्टेट है रिसेंटली अवार्डेड फॉर द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम? मेघालय, असम, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? किसको भाई? क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपको, आप मुझे बताइए टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? चलिए, तो ये आंसर आई थिंक मेघालय होना चाहिए, असम और कर्नाटका तो नहीं, मेघालय होगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेघालय। मुझे कंफ्यूजन लग रहा था यहाँ पे। चलिए, और लिविंग रूट ब्रिज कहाँ हो जाएगा जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया? वो भी मेघालय। प्लस 24 मार्च, 24 अप्रैल नहीं, 24 मार्च। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? वो भी हम मेघालय में ही करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेघालय। किस शहर में संग्रहालय बहाली परियोजना में यूनेस्को को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? विच सिटी म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्ड द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को? जयपुर, हैदराबाद, नैनीताल या मुंबई? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आंसर कर दें, 24 मार्च को हम टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। बताएं भाई। सारे जन, सारे जन, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई। किस संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता? लीजिए भाई, तो आपके लिए इजी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज वॉन द यूनेस्को अवार्ड रिसेंटली? जनजातीय, बाल विकास, महिला या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय? विच वन? ये तो पहले ही मैंने हिंट कर दिया आपको। बिल्कुल लाइक कर लें भाई। सेशन सेशन आपके ऊपर है लाइक करना। बाकी मेरी क्लासेस देखनी हो तो फिर आप विमलेश यादव सर्च करके देख ही सकते हैं। बता ही दिया आपको। चलिए, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अमेरिका द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड इन अमेरिका? दलाई लामा, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर या रामदेव जी? किसको किया गया भाई? जी हाँ, जय स्पीड में मैं करा रहा हूं। मेरे क्लास का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, चलिए मैं बनवा दूंगा। वैसे रोज रात को मेरी 11 बजे क्लास चलती है। विमलेश यादव सर्च करके देख सकते हैं, आपको मैं बोल दूंगा कि प्लेलिस्ट बनाने को। कौन हो जाएंगे? श्री श्री रविशंकर जी। वेरी गुड। कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अविश कंपनी सीईओ हैज बिन अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फेसबुक, फ्लिपकार्ट, एप्पल या गूगल? पिछली बार 2022 में, 2022
2022 में दो कंपनी के सीईओ थे, कौन कौन? एक माइक्रोसॉफ्ट के और एक गूगल के। इसमें गूगल दिया है तो गूगल हो जाएगा, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला। इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 26 जनवरी को अनाउंस हुआ है, 106 लोगों को, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर गूगल। बिल्कुल राम। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? आप सिर्फ विमलेश यादव सर्च कर लिया करिए, विमलेश यादव सर्च कर लेंगे, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। विमलेश यादव एजुकेटर सर्च कर सकते हैं, या विमलेश यादव सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक, वहां पे हैशटैग दिया भी हुआ है विमलेश यादव। चलिए, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च का पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन, सुनीता नारायण जाधव पाई, या वंदना शिवा? बताएं भाई, पूछा जाएगा आपको। यूनाइटेड नेशन के हेड कौन हो जाएंगे? यूनाइटेड नेशन के बताइए। ये आप पूर्णिमा देवी बर्मन कर लीजिएगा, ये वंदना सेवा गलत लगा हुआ है। कौन हो जाएंगी? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, साहित्य जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022? सिरीन दलवी, अशोक बैंक, खाली जावेद या सुमित बसु? किसको? खालिद जावेद। कौन सी इनकी किताब का नाम क्या था? इनकी किताब का नाम कौन बता देगा? इनकी किताब का नाम बताइए, द पैराडाइज ऑफ फूड। क्या नाम था इनकी किताब का? पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन, रसायन और उर्वरक, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? बताइए। किसको दिया गया? सॉरी, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। किससे संबंधित हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। किसके पास है? हमारा पशुपालन मंत्रालय। फिक्की द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाई फिक्की? राजेंद्र पवार, नैना धाकड़ी, रवि कुमार सागर या खालिद जावेद? क्यों भाई, मैं यहां पे सर हूं और सर के बाद इंसान हूं। ठीक है, बिल्कुल। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे राजेंद्र पवार साहब। ठीक है, फिक्की फिक्की के चेयरमैन कौन बनाए गए अभी अभी रिसेंट में? फिक्की के चेयरमैन कौन बनाए गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया है? इन विच फील्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? कृषि, शिक्षा, नर्सिंग या फिर खेल? वेरी गुड, शुभकांत पांडा को। किसको? शुभकांत पांडा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं हम नर्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की याद में मनाया जाता है, नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है?
बताइए भाई, 13 मई को। बारह मई को, 11 मई को, आप बताइए। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस दिए हैं। कब? तो 12 मई को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नर्सिंग डे। सत्यजीत री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2022? इस्तावान स्वाबो, कार्लोस सौरा, मार्टिन स्कॉर्सेस, या इनमें से कोई नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं कि आज देखिए अनएकेडमी जो है आपका रिपब्लिक का लास्ट डे है, अनएकेडमी रिपब्लिक ऑफर का लास्ट डे है। तो आप लोग को जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है और 30% का ऑफ पाना है, 30% ह्यूज ऑफर है, 20% कोड से, 10% क्वाइन से, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। अगर किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड हो जाएगा VIMLESH, विमलेश एट द रेट 14। मैं लिख देता हूं क्या हो जाएगा, VIMLESH, विमलेश मेरा नाम है, एट द रेट स्पेशल करेक्टर और 14 डिजिट। इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्री क्लासेस को भी देखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, तो जल्दी से ले लीजिए। और आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, देखिए MTS बैच यानी पूरा सब कुछ SSC का मिल जाएगा, MTS बैच कोर्स, दिल्ली पुलिस बैच कोर्स, सफलता बैच कोर्स, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। ठीक है, 12 बजे से पहले आप ले लेंगे तो 30% का ऑफ मिल जाएगा। SSC एग्जाम्स के लिए भी नोट्स, उसके अलावा नोट्स कैसे पाएंगे आप, सेल्फ स्टडी टैब पे जाइए, नोट्स टैब पे जाइए, डिजायर टॉपिक पे जाइए, स्टार्ट लर्निंग कर दीजिए, यानी जा करके कम से कम नोट्स तो ले ही सकते हैं आप। तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। और कॉम्पीट देखिए वहां पे क्विज ऑप्शन है, जहां पे आप क्विजेस दे सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, साथ ही साथ आपको आपका लेवल भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया जो है कि क्विज होता है। साथ ही साथ आपको जो है कि प्रिंटेड कंटेंट, स्क्रीनशॉट और रिटन फॉर्म्स में आपको वहां पे डाउट्स पूछ, अगर आप पूछ सकते हैं, टॉपिक और सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा, आपके डाउट्स को भी क्लियर कर दिया जाएगा। कोड जो आपको अप्लाई करना है वो क्या करना है, VIMLESH एट द रेट 14, विमलेश एट द रेट 14 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिस भी कैटेगरी में चाहें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे के रखा हुआ है मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? हु विल बी गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल या शरद कुमार लचंता, किसको दिया जाएगा बताएं भाई? और इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, सेशन लाइक कर सकते हैं या आपके ऊपर है, लाइक कर दें भाई। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद दिवस प्लस स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, किसको दिया जाएगा? और जिनको इस बार दिया जा रहा है वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है। क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर है वो। चले इस क्वेश्चन का आंसर शरद कमल अचंता। वेरी गुड राम, आप लोग रात को 11 बजे मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एवरी नाइट, और मैं प्लेलिस्ट इसका बनवा दूंगा। साथ ही साथ संडे को क्लास नहीं होगी तो मैं मंडे को मिलूंगा। बाकी अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड, वीकेंड एंजॉय करिए, क्लासेस देखते रहिए। आप विमरेश यादव सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। आप मेरी क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना है, विमरेश यादव सिर्फ सर्च करना है। क्या करना है? विमरेश यादव सर्च करना है, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।